अंतिम निर्णय विचाराधीन है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 2022 का प्रमुख क्षेत्र पंचायत खटीमा के निलंबन से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिला पंचायतों के अंतर्गत कुल 6 मामलों में से एक प्रकरण वर्ष 2017 के पूर्व के तथा 5 प्रकरण वर्ष 2017 के पश्चात के हैं। उपरोक्त प्रकरणों में से अध्यक्ष जिला पंचायत हरिद्वार एवं अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। शेष 4 मामले जनपद बागेश्वर, चमोली, टेहरी, पौड़ी में प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर गतिमान है। प्रश्न संख्या 8, माननीय फुरकान अहमद। मान्यता जी। हाँ जी, नहीं जी, नहीं, उपरोक्त अनुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, दरगाह साबिर पाक स्थित प्राण कलियर रुड़की जिला हरिद्वार, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक बड़ा मेला उसका आयोजन लगभग 700 अधिक वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें देश एवं विदेश से लाखों संख्या में प्रत्येक समुदाय के श्रद्धालु आते हैं। दरगाह विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। दरगाह प्रबंधन द्वारा जो स्वयं के सूत्र है, लंगर, विद्युत, साफ सफाई आदि में खर्च किया जाता है, लेकिन दरगाह क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। उस में दरगाह प्रबंधक द्वारा स्वयं की आय से सुरक्षा, साफ सफाई, पुलिस प्रशासन के रहने की व्यवस्था, वाहन स्वास्थ्य। सर मेरा ये कि ये क्या इसे सरकारी मेला घोषित किया जाए, क्योंकि जो जो उर्स मेला लगता है सब खर्च दरगाह उठाती है, कि क्या उस पर सरकार विचार करेगी कि सरकारी मेला घोषित किया जाए। माननीय मंत्री जी, इसका आप उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्षा जी, सम्मानित सदस्य ने इसको पांचवा धाम घोषित करने पर क्या सरकार विचार कर रही, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रयान कलियर दरगाह रुड़की जनपद हरिद्वार को पांचवा धाम घोषित किया जाना संस्कृति विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रयान कलियर दरगाह रुड़की हरिद्वार में आयोजित मेले को विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के मद से मानक मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मेला आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है एवं सांस्कृतिक दलों को अनुबंधित किया जाता है। सर, उसका जो भी खर्चा उठता है दरगाह उठाती है जी, सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। क्या क्या सरकारी मेला घोषित किया जाए? माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि 2018-19 में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 2019-20 में अब तक कोई प्रयान कलियर दरगाह मेले को आर्थिक सहायता के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, तो जो भी मांग होगी उस पर विचार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 9, माननीय वीरेंद्र कुमार जी। अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मांग लिया जाए। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड राज्य के सिंचाई विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 142 अनुपूरक पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि इन जो नलकूप खराब हैं उनके कारण लगभग 12,393 हेक्टेयर जो भूमि है वो असिंचित है। क्या माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछता हूँ कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब तक? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य द्वारा जिस जगह पर सिंचाई की ज़्यादा समस्या है वो अगर मांग रखते हैं तो निश्चित रूप में उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि सीमित संसाधन है, उसको दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10, माननीय खजानदास जी। माननीय मंत्री जी, रिस्पना एवं बिदाल नदियों पर प्रश्नगत क्षेत्र में सुरक्षा दीवार पूर्व के निर्मित है। किंचित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारों क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त स्थान सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं से लगी बिंदाल नदी के दाएं बाएं तट पर इंदिरा कॉलोनी चुक्खूवाला से कामली रोड पुल तक का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें कई वर्षों से पूर्व निर्मित हैं। उक्त कुछ क्षेत्रों में पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। इन क्षतिग्रस्त दीवारों हेतु जिला योजना वर्ष 2022-23 में वार्ड 18 इंदिरा कॉलोनी में पुश्ते की मरम्मत उच्चीकरण की योजना प्रस्तावित की गई है। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं से लगी रिस्पना नदी के दाएं तट पर आर्यनगर ऋषिनगर पुल से नेहरू कॉलोनी पुल तक का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में सुरक्षा दीवारें कई वर्ष से
वर्षों पूर्व से निर्मित हैं। उक्त कुछ क्षेत्र में निर्मित पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। इन क्षतिग्रस्त स्थानों हेतु जिला योजना 2022-23 में DL रोड से शक्ति विहार पुल के मध्य रायपुर रोड पुल के डाउनस्ट्रीम में राजेश रावत कॉलोनी मोहिनी रोड पुल बलबीर रोड पुल के मध्य कुल 5 योजनाएं जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराए जाने संभव हैं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा गया कि किंचित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त क्षेत्र उक्त स्थान सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, और यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त कुछ क्षेत्रों में पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त है। इन क्षतिग्रस्त स्थानों हेतु जिला योजना वर्ष 2022-23 में DL रोड से शक्ति विहार पुल के मध्य रायपुर रोड पुल के डाउन स्ट्रीम में राजेश रावत कॉलोनी मोहनी रोड पुल और बलबी रोड पुल के मध्य कुल 5 योजनाएं जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी आंकड़न की राशि कितनी है और कब तक स्वीकृत होगी, और मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्षा जी, बिंदाल नदी पर वर्ष 22-23 में निम्नलिखित योजनाएं जिला योजनाओं में प्रस्तावित की गई हैं। 1, वार्ड संख्या 18 इंदिरा कॉलोनी में बिंदाल नदी के बाएं किनारे पर पुश्तों से उच्चीकरण का कार्य, ये 5 लाख रुपए की इसकी राशि है। रिस्पना नदी पर वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित योजनाएं जिला योजना में प्रस्तावित की गई हैं। रायपुर रोड के डाउनस्ट्रीम में राजेश रावत कॉलोनी में रिस्पना नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य 3.50 लाख। मोहिनी रोड पुल के डाउनस्ट्रीम में रिस्पना नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य 5 लाख। बलबी रोड पुल के अपस्ट्रीम में रैनबसेरा के समीप रिस्पना नदी के दाएं किनारे पर 5 लाख। जिला योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत रिस्पना नदी के दाएं किनारे पर DL रोड पुल के डाउनस्ट्रीम में श्री कनीज के घर के समीप सुरक्षात्मक कार्य 4.85 लाख। जिला योजना अंतर्गत 2022-23 के अंतर्गत रिस्पना नदी में रायपुर रोड पुल के अपस्ट्रीम में दाएं तट पर सुरक्षा दीवार का सुरक्षात्मक कार्य ये 5 लाख। ये कुल योग जो है ये 28.35 लाख का है। प्रश्न संख्या 11, माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी। जी माननीय मंत्री जी, पढ़ावा माना जाए। अनुपूरक कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शेर नाले पे स्पान RCC प्रेस्टेड कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए 15,88,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, और 19 अक्टूबर 2012 के शासनादेश के बावजूद अभी तक इस समय DPR की गठन की कार्रवाई चल रही है, जो कि काफी धीमी गति से है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से। प्रश्न करिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यह है कि चूंकि बरसात आ रही है तो तुरंत इसका निर्माण किया जाना चाहिए। कब तक हो जाएगा? सरकार इस पर विचार करेगी, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर है। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अंतर्गत रामनगर, काला ढूंगी, हल्द्वानी, काठगोदाम, चोर गलिया, सितारगंज बिजटी राज्य मार्ग संख्या 41 किलोमीटर 82 में सुखी नदी शेर नाला में 120 मीटर स्पान का कंक्रीट सेतु, इस कार्य की प्रथम चरण में स्वीकृति शासन आदेश 19/10/2012 द्वारा 15.88 लाख की प्राप्त है। वन भूमि के कारण वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावित गठित कर भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति दिनांक 10/12/2018 में प्राप्त हुई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वन भूमि हस्तांतरण का आदेश दिनांक 25/11/2019 में जारी हुआ है। DPR गठन हेतु भू वैज्ञानिक के निरीक्षण की रिपोर्ट जो है वो 18/1/2020 में आ चुकी है।
डीपीआर गठन के में हुए अत्यधिक विलंब के लिए अधिशासी अभियंता को सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। डीपीआर दिनांक 25/6/2022 तक शासन को प्राप्त हो जाएगी। स्वीकृति राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मार्ग पे जो आवागमन होता है, ये माननीय हमारे मंत्री जी सौरभ बगुड़ा जी भी हैं, उनके क्षेत्र में भी जाता है और मेरे क्षेत्र के लोग भी इसमें बहुत आवागमन करते हैं। लालकुआ विधानसभा के लोग भी आवागमन करते हैं, कापड़ी जी के क्षेत्र के भी लोग आवागमन करते हैं। इसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र के मैं जानता हूँ दो परिवार जिनके लोग इस नाले में बहने की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है। तो ये आपने जो पूरी प्रक्रिया बताई, अब डबल इंजन सरकार आप नाम लेते प्रश्न हैं कीजिए साहब, मेरा प्रश्न ये है कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित होगी क्या? आज इस सदन में कोई भी ऐसी समय सीमा हमें बताई जाएगी कि इस समय सीमा तक ये हो जाएगा, क्योंकि फिर से मानसून आने वाला है। अब अगर जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है? क्या माननीय मंत्री जी लेने को तैयार है? माननीय अध्यक्ष जी, इसको निश्चित रूप में जल्दी करवाएंगे और ये वित्तीय संसाधनों पर उपलब्ध, उसकी उपलब्धता पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 12, माननीय वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, पढ़ावा मान लीजिए। जी हाँ, अनुपूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जो माननीय मंत्री जी ने डाटा उपलब्ध कराया है, प्रदेश में कुल 142 जो नलकूप हैं वो अकार्यरत हैं और जिनमें से जनपद हरिद्वार में 99 है, यानी कि कुल 70% जो नलकूप हैं वो जनपद हरिद्वार में खराब हैं, जिनके कारण लगभग 8600 हेक्टेयर जो भूमि है वो असिंचित रह जाती है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि इनको यथाशीघ्र कब ठीक करा रहे हैं? दूसरा मेरा एक और सवाल है। पहले जवाब आने दीजिए, पहले सवाल का जवाब आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में एक नलकूप 41RG ग्राम काशतांशी ताशीपुर विकासखंड रुड़की की योजना पर पुनः निर्माण की प्रक्रिया जो है गतिशील है। शेष नलकूपों के पुनः निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार योजनाएं गठित करने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, जो कार्रवाई गतिशील है उसके बाद शेष 78 जो 78 नलकूप हैं उनके विषय में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं, जरा ये भी हम लोगों को बता दें। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार में कुल 694 नलकूप अधिस्थापित हैं, जिसमें से 557 नलकूप क्रियाशील हैं, 99 नलकूप अक्रियाशील हैं तथा 38 नलकूप जो हैं विभिन्न कारणों से परित्याग की श्रेणी में आते हैं। जनपद में नलकूपों द्वारा कुल संचित क्षेत्र 45,201 हेक्टर है, जिसके सापेक्ष विगत वर्षों 2021-22 में 17,712 हेक्टर भूमि सींच दर्ज की गई है। हरिद्वार में 99 नलकूप अक्रियशील हैं, जिनका विकास खंडवार विवरण ये निम्नलिखित हैं। इसमें से नलकूप खंड रुड़की जनपद रुड़की नारसेन रुड़की में 127 अधिस्थापित नलकूप हैं, क्रियाशील 93 हैं, अक्रियाशील 23 हैं, परित्याग की श्रेणी में 11 आते हैं। नारसेन में 64 हैं, क्रियाशील नलकूप 50 हैं, अक्रियाशील 6 हैं, परित्याग की श्रेणी में 8 आते हैं। जनपद ये भगवानपुर में 157 अधिस्थापित नलकूप हैं, जिसमें से क्रियाशील नलकूप 12 हैं, अक्रियाशील नलकूप जो हैं 31 हैं और परित्याग की श्रेणी में 14 आते हैं। ये कुल योग बादराबाद खानपुर लक्सल को मिलाकर के 694 अधिस्थापित नलकूप हैं, क्रियाशील नलकूप 557 हैं, अक्रियाशील नलकूप 99 हैं और परित्याग की श्रेणी में 38 आते हैं। वर्तमान में एक नलकूप 41GPR ग्राम ताशीपुर विकासखंड रुड़की की योजना पर पुनः निर्माण की प्रक्रिया में गतिशील है। शेष नलकूपों के निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार योजनाएं गठित करने की कार्रवाई गतिमान है। प्रश्न संख्या 13। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि जो 78 नलकूप क्रियाशील हैं, जिसके बारे में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, कोई कार्यवाही गतिमान नहीं है, इनके विषय पर आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, यहाँ पर बैठ जाइए, आपका एक सवाल हो गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना होगी वो अब दे दी जाएगी। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल यह भी है कि 557 नलकूप जो क्रियाशील हैं, इन नलकूपों पर नलकूप चालक 45 है, 45 है,
क्या 557 नलकूपों पर 45 नलकूप चालकों से काम चल पाना संभव है, और इनमें से भी लगभग 10 से 11 लोग अगले एक वर्ष में रिटायर हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, जरा बताएं कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, इस पर हम विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप में इसमें हम जो है उसकी वृद्धि करेंगे। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, विक्रम सिंह नेगी जी, काम भी होगा जरा ये भी बता दीजिए। माननीय अध्यक्षा जी, जो 8600 हेक्टेयर जमीन असंचित है उसको संचित करने के लिए क्या विभाग ने कोई कार्य योजना बनाई है, जो वर्तमान में जो उसकी सिंचाई की जाएगी और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया? ये विषय से अलग है। नहीं, जवाब कहाँ आ गया? आपने सीधा सीधा जवाब दिया कि मुझे तो बताएं जवाब कहाँ आ गया? नलकों में क्रियाशील है, इतने अक्रियाशील है, इसमें कार्रवाई गति वाली विषय आ गया ना? विषय कहाँ आ गया? बिल्कुल जवाब आ गया माननीय मंत्री, बहुत स्पष्ट और बहुत विस्तार से माननीय मंत्री अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया। ये पूरी तरह से जवाब बहुत स्पष्ट तौर पर अभी संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि जवाब पूरा आ गया। जवाब कहाँ पूरा आ गया? प्रदेश में 8600 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। क्या सरकार द्वारा इस भूमि को सिंचित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है? और अगर कार्य योजना बनाई गई है तो उसमें कितने धन का प्रावधान किया है? ये तो इससे संबंध से जुड़ा प्रश्न है, तो मूल प्रश्न है। माननीय अध्यक्षा जी, इसकी सूचना हम लोग प्रेषित कर देंगे। कार्य योजना आप बना रहे हैं? प्रेषित कर दें। माननीय प्रेषित कर दें। हर चीज के सारे सूचना ही प्रेषित हो गई है। मैं खुद एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ। उत्तर आप तक पहुंच जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। आपको आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी, आपको पहुंचा देंगे उत्तर। उत्तर आपको पहुंचा दिया जाएगा। मैं लगातार ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि इसका हम आपको लिखित उत्तर दे देंगे। सदन में सवालों के जवाब के लिए इनके पास डिटेल देखिए, मंत्री ने डिटेल रिपोर्ट दी है। और इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है उसका जवाब आप दीजिए। आपका संरक्षण चाहते हैं सदन में, तो जवाब चाहिए। एक मूल प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि 8600 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। 8600 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए क्या आपने कोई कार्य योजना बनाई है, और अगर बनाई है तो कितने धन का प्रावधान किया है? ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और उसका जवाब घर भेज देंगे तो फिर प्रश्न। माननीय मंत्री जी, कोई कार्य योजना इस जमीन को सिंचित करने के लिए बनाई जा रही है? अब बैठिए मंत्री जी, बैठिए आप जी, बैठिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाएगी। ADB वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषण हेतु प्रयास किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, अब आपको जवाब आ गया है कि कार्य योजना बनाई जाएगी, बन जाएगी। आपके माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी का जवाब आ रहा है। प्रश्न संख्या 13, माननीय विक्रम सिंह नेगी जी, कोई कार्रवाई हुई है न कोई ठोस योजना बनी है, तो कैसे इस नलकूपों की व्यवस्था हो पाएगी? बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह के सवालों का जवाब आ रहे हैं वो सदन संतुष्ट नहीं है। सदन संतुष्ट है, विपक्ष संतुष्ट है? सदन संतुष्ट है, सदन संतुष्ट है, सदन बोलते हैं संतुष्ट है। आपका सवाल आ रहे हैं, सवालों के जवाब आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं सिंचाई से, सिंचाई से लेकर 20,000 हेक्टेयर भूमि। एक सवाल ये बात है, कितना पूछेंगे? 20,000 की सीमा होती है, सीमा होती है। सरकार की मंशा असंचित भूमि में खेती पैदा करने देना है या नहीं है, इसका स्पष्ट अभी मंत्री जी ने कहा कि कार्य योजना बनाई जाएगी इसके लिए। माननीय मंत्री जी, होनी है उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। पानी की सबसे प्रश्न संख्या 13, विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी,
बड़ा हुआ मान लिया जाए। सवाल करिए, अनुपूरक करिए। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध सेम नागराजा धाम को सरकार पांचवा धाम घोषित करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? इस प्रश्न का पूछने का मूल आशय ये था कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का या पूर्व मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का बयान कई जगह पांचवा धाम घोषित करने के बारे में अखबारों के माध्यम से आया। माननीय धर्मस्व मंत्री जी ने जवाब दिया और अनुपूरक सामग्री भी उपलब्ध कराई। मैं उन्होंने जो जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन इस पर पूछना चाहता हूँ कि सेम नागराजा धाम में बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर बड़ा मेला आयोजित किया। प्रश्न कीजिए। क्या सरकार त्रिवर्षीय मेले में जो बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री उत्तरकाशी टिहरी और खासकर पौड़ी जनपद से, और नागराजा ज्यादा फलित भी पौड़ी जनपद के लिए ही है, क्या सरकार रात भर जो जंगलों में लोग रहते हैं और 1600 मीटर की जो खड़ी चढ़ाई है, जंगलों में लोग रात भर रात्रि जगा करते हैं, यहाँ पर सुविधाएं विकसित करने का सरकार प्रयास कर रही है, और प्रयास कर रही है तो क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर की है मैं उससे भली भांत अवगत हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मंत्रालय है वो किसी स्थान को धाम घोषित नहीं करता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध सेम नागराज धाम को पांचवा धाम घोषित किया जाना संस्कृति विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जनपद टिहरी के अंतर्गत विकासखंड प्रतापनगर के प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रसिद्ध सेम नागराज मेले को संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित पारंपरिक एवं पौराणिक उत्सवों एवं मेलों का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा इन सूचीबद्ध मेलों, त्योहारों एवं उत्सव को जिला प्रशासन की मांग पर मेला आयोजन हेतु मानक मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा सांस्कृतिक दलों को अनुबंधित कर भेजा जाता है। भविष्य में जिला प्रशासन से मेला आयोजन हेतु मांग प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु सांस्कृतिक दल भेजे जाएंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो त्रिवर्षीय मेला होता है और लोग जंगलों में रात्रि को निवास करते हैं, क्या उसको विकसित करने के उनके लिए कोई सुविधाएं सरकार बनाने जा रही है या नहीं? निश्चित रूप में इसके लिए हम कार्य योजना बनाएंगे और सरकार इस पर विचार करेगी। प्रश्न संख्या 4। माननीय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि सेम नागराजा मेले को संस्कृति विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, क्या पिछले वर्षों में नागराजा मेले को आपने कुछ धनराशि उसके उत्थान उन्नयन को उसके विकसित करने के लिए कोई धनराशि अवमुक्त की है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पिछली बार हम लोगों ने जो है इसमें सहायता दी है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला प्रशासन से मेला आयोजन हेतु मांग प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता आगे हम देंगे। प्रश्न संख्या 14, माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, पड़ाव मान लिया जाए। अनुपूरक। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसमें कितना धन व्यय हुआ है, और दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि IPE ग्लोबल कंसल्टेंसी द्वारा कार्य योजना कब तैयार की गई, क्या उसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है, यदि प्रारंभ किया गया है तो कितना धन व्यय हुआ है?
माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्षा जी, इसमें ट्रैकिंग ट्रैक्शन राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास की दृष्टि गत सभी 14 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टिनेशन योजना लागू की गई है। योजना आरंभ 2019-20 से अब तक 23 योजना हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है। योजना हेतु अब तक 32.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत है। ₹22.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त है और 29.30 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु गतिमान है। पर्यटन मास्टर प्लान EIEP ग्लोबल द्वारा 2021 में रिपोर्ट दी गई है और इसमें हम जो है क्रियान्वयन जो है इस साल से प्रारंभ हम कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने 13 जनपद और 13 डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कही है और मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 13 डेस्टिनेशन आपने डेवलप किए हैं वो कौन कौन से हैं और किस डेस्टिनेशन पर कितना धन अब तक आपने व्यय किया है। माननीय मंत्री, और IPL ग्लोबल कंसल्टेंसी से आपका जो करार था वो करार किस तरीके का था? एक ही प्रश्न माननीय अध्यक्षा जी, एक चीज क्यों, एक ही अनुरोध दोबारा पूछ सकते हो ना? या एक ही माननीय मंत्री जी, या जी 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टिनेशन का मैं आपके सामने विवरण रख रहा हूं। अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर कटारमल नवग्रह सर्किट का केंद्र सूर्य होता है और सूर्य मंदिर उसी थीम पर विकसित करने का हमारा पूरा हमने विकसित करना, मैं आपको क्रमवार बता रहा हूँ। जवाब तो आने दीजिए, ऐसा किसी का जवाब तो आने दीजिए ना। नहीं नहीं, समय तो आपका होगा ना, समय तो आपका होगा, हमारे तो प्रश्नों का जवाब देंगे ना। मैं बड़ा और आसान कर रहा हूँ आपका। नहीं नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो मैं आसान कर रहा हूँ ना उसको। नहीं तो पहले आसान पूछ लेते, जवाब तो पूरा आने दीजिए ना, उसके बाद दूसरा अनुप्रमाण जवाब जो आपने पूछा तो उसका बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, पहले सुन तो लीजिए। नवग्रह सर्जन का केंद्र सूर्य है और सूर्य मंदिर उसी थीम पर विकसित करा किया है हमने। 381.87 लाख की राशि जो है इसके लिए हमने स्वीकृत की है और इसमें हमने जो कार्य किए हैं, कटारबल में प्रवेश द्वार का निर्माण, महारुद्रेश्वर में सेल्फी पॉइंट का विकास, जागेश्वर में जटा उद्गम स्थल का सौंदर्यकरण, चितई में पार्किंग, जागेश्वर में आरतोला में पार्क व अन्य इसमें सौंदर्यकरण किया गया है, नैनीताल में मुक्तेश्वर हिमालय दर्शन, हिमालय व्यू पॉइंट लेजर डेस्टिनेशन 596.38 लाख, भीमताल में करकोट की चोटी का पर्यटन विकास, मुक्तेश्वर में विभिन्न पर्यटन विकासों के कार्य, पौड़ी सतकुली एवं खैरासिन झील नौका विहार एवं पिकनिक डेस्टिनेशन बनाना 86.38 लाख, खैरासैंड में शौचालय का निर्माण एवं अन्य कार्य, खैरासैंड में रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस का निर्माण, लाखामंडल में मुख्य सड़क से पौराणिक मंदिर तक पहुंच मार्ग, लाखामंडल का पर्यटन विकास, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ, भगवती 52 शक्तिपीठ बृहद थीम इसका पार्क बना रहे हैं जिसके लिए 50 लाख है, झिलमिल झील का कार्य प्रगति पर प्रस्तावित है, उत्तरकाशी मोरी हरकी दून एवं जखोल सर्किट पर्यटन एवं ट्रैकिंग के रूप में विकसित करना 385.95 लाख, मोरी हरकी दून जखोल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं अन्य अवस्थापना कार्य, अगोड़ा में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर का निर्माण, टेहरी में टेहरी झील वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन 81.92 लाख, डोबरा घाटी पुल के समीप भूमि की घेरबाड़, रुद्रप्रयाग में चिरबिटिया नेचर टूरिज्म ग्रीन टूरिज्म 50 लाख प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं, उधम सिंह नगर में द्रोण सागर के साथ ही हरिपुरा और जलाशय
जल क्रीड़ा एवं हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। 520.28 लाख गुजर भोज में इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य, काशीपुर स्थित ओर सागर का विकास, चंपावत में शादी के रूप में विकसित किया जाएगा। 155.50 लाख फेंसिंग का रैली। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य जी ने किया है उसका जवाब ही नहीं आने दे, बीच में खड़े हो जा रहे हैं। कम से कम जवाब देने का मतलब है कि और हर एक का जवाब माननीय मंत्री जी रहे, फिर आप बीच में खड़े हो जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी का तो कम से कम अनुशासन के सवाल आ रहे हैं। ये सरकार बहुत गंभीर है माननीय माननीय मंत्री जी, 13 जिले पूरा जवाब सुन लीजिएगा, पूरा हमको पूरा चाहिए। डेस्टिनेशन की जवाब चाहिए पूरी तरीके से संवेदनशील है, और हमने जो प्रश्न पूछे मंत्री जी ने जवाब दिया, हमने कहा ठीक है पड़ावा मान लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। संसदीय मंत्री बड़े भाव के साथ, बड़े विनम्रता के साथ आपको जवाब दे रहे राणा जी पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि आपने जनपद 14 जनपद की बात कही है, क्या 14 आपने 14 कह के 13 बातों में सुधार लिया उसी है, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उधम सिंह नगर में नानक सागर डैम और गुरु नानक देव जी से जो नानक माता साहब है, क्या स्थापना मद में सुधार की कोई आपके पास योजना या बनाई? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी पहला वाला प्रश्न है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। चंपावत में अब मैं पहले पहले पूरा जवाब तो फिर इस सदन की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, सत्ता में बैठे हो कंसल्टेंसी के बारे में पूछा है, टेंडर के माध्यम से चयन किया गया है, इनके द्वारा अपनी अंतिम आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकार हमारे कि जो प्रश्न पूछा है उसके सामने पूरा डिटेल में जवाब मिल रहा है। इस तरह से सुनने की क्षमता को रखिएगा, पूरे सुनने की क्षमता रखिएगा, पूरा डिटेल में जवाब दिया जा रहा है। आपके हिसाब से जवाब दिया जाएगा।
सवालों का जवाब सरकार दे रही है। तथ्यहीन आरोप, तथ्यहीन। आपने जो प्रश्न किए उनका हम जवाब दे रहे हैं। सदन को हम चलाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमने कहा था सत्ता तक सहयोग देंगे, लेकिन जिस तरह का सरकार का रवैया अध्यक्ष जी आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा जो प्रश्न लगाए जाते हैं और उसमें अनुसूचित प्रश्न और तारांकित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और कार्य संचालन नियमावली के नियम 34 को अगर आप देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए जो दिन नियत किया गया है उस दिन का उपवेशन आरंभ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तर उत्तरों की प्रति सबद्ध सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाए, ये कार्य संचालन नियमावली बोल रही है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज मेरे 3 तारांकित प्रश्न थे और जब मुझे उसका उत्तर मिला तो आज सुबह प्राप्त हुआ। अब या तो रात को 12 बजे अगर घर में फेंक जाते होंगे तो कोई देखता नहीं, हमें भी नहीं मिला, कोई नहीं है। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से जो है ये निर्देश जाए कि जो तारांकित और अल्पसूचित प्रश्न है उनका जवाब जो है हमको समय रहते हुए मिल जाए ताकि हम उसकी तैयारी करके सदन में आ सके। वो रिसीविंग ले जाए, देखिए खाली बैंक के न जाए, इधर से उधर से। अध्यक्ष जी प्रश्नों के बारे में मेरा एक विषय है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि सदस्यों को पहले से जवाब मिलने चाहिए ताकि वो उसकी आगे की तैयारी कर सकें। मैं विभागों से निवेदन करूंगी कि वो कम से कम 4-6 घंटे पहले या उससे शाम तक उन तक जो जवाब है वो पहुंचाने का, एक दिन पूर्व आप पहुंचाइए, कम से कम एक दिन पूर्व आप लोग जवाब सदस्यों तक, माननीय सदस्यों तक पहुँचाइए। प्रश्नों के बारे में मेरा एक छोटा सा सुझाव या व्यवस्था का ही प्रश्न मान लीजिए। देखिए तकनीकी का युग है, मैंने सचिव साहब से भी निवेदन किया था, हम सुदूर क्षेत्र में हैं, आप ईमेल या डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर लेकर के इस तरह के सवाल, और विधानसभाओं में भी इस तरह की व्यवस्था है, तो अगर वो व्यवस्था कर ले तो मेरे ख्याल से हमारे सदस्य आके मेरे चेंबर में बात कर लीजिएगा और आपके इस विचार पर हम लोग बात देख लेंगे। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शहजाद, माननीय श्री सुमित हृदेश, माननीय श्री उमेश शर्मा काव, माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार, माननीय श्री राम सिंह केड़ा, माननीय श्री महेश जीना, माननीय श्री सहदेव सिंह पुंडीर, माननीय श्री भरत सिंह चौधरी, माननीय श्री हरीश सिंह धामी, माननीय श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुमित हृदेश, माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार, माननीय श्री राम सिंह केड़ा, माननीय श्री महेश जीना, माननीय श्री सदैव सिंह पुंडीर, माननीय श्री भरत सिंह चौधरी एवं माननीय श्री हरीश सिंह धामी जी की सूचना को नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार कर रही हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। मत संख्या 4 श्री सुमित हृदेश पढ़ा हुआ माना जी, पढ़ा हुआ माना जी। माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी, माननीय जी जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील कंडीसौड़ में उप कोषागार का संचालन न होने के कारण क्षेत्र में निवास करने वालों लोगों तथा सरकारी विभागों के कार्मिकों को कोषागार संबंधी कार्यों के निस्तारण में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2015-16 में सृजित तहसील कंडीसौड़ में आधी दिन तक कोषागार की स्वीकृति और संचालन न होने के से तहसील क्षेत्र अंतर्गत 268 गाँव के लोगों को कोषागार संबंधी कार्यों के लिए नई टिहरी जाना पड़ता है। दूरस्थ ग्राम पंचायत कटकेट, मेड़ा, धनमाली के हरिचड़वा आदि गाँव से नई टिहरी की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है तथा कंडीसौड़ से नई
टिहरी की दूरी 77 किलोमीटर है, जिसमें काश्तकारों तथा सरकारी विभागों के कार्मिकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों के कोषागार संबंधी कार्यों के निस्तारण में भारी कठिनाइयां होती हैं। ग्रामीण काश्तकारों के द्वारा तहसीलकंडी सौड़ में उप कोषागार का संचालन कराए जाने की मांग की जा रही है। कोषागार संबंधी कार्यों के संपादन हेतु काश्तकारों तथा सरकारी विभागों के कार्मिकों को 2 दिन का समय लगता है, जिससे अनावश्यक धन और समय भी नष्ट होता है। व्यापक जनहित में तहसीलकंडी सौड़ में उप कोषागार का संचालन कराया जाना नितांत आवश्यक है। अतः इस अवर्णनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ। माननीय श्री राम सिंह केड़ा जी। माननीय अध्यक्ष जी, भीमताल विधानसभा क्षेत्र एक काश्तकार बहुल्य क्षेत्र है। विधानसभा के काश्तकारों को फसल खराब होने के बाद बीमा नहीं मिलने के संदर्भ में मेरा प्रश्न है 300 में। महोदय, मेरी विधानसभा अत्यधिक क्षेत्र कृषि बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर काश्तकार खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। महोदय, कृषक कभी भारी वर्षा से कभी गर्मी पड़ जाने के कारण परेशान रहते हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए प्रत्येक किसान अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं, जिससे इस प्रकार अकाल पड़ने पर फसल का बीमा मिल सके। लेकिन इसके एवज में एसबीआई बीमा कंपनी किसानों को उसकी बीमा की प्रीमियम का आधा बीमा तक नहीं देती हैं, जबकि सभी काश्तकारों का प्रीमियम जोड़ा जाए तो उसका आधा प्रीमियम बीमा कंपनी किसानों को नहीं देती है। इस व्यवस्था को देखकर जनता अपने को ठगा महसूस करती है। अतः इस अविलंबी लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बीमा कंपनी के को फटकार लगाते हुए किसानों का बीमा दिलाने की कृपा करेंगे, मैं आशा करता हूँ। माननीय श्री महेश जीना जी। नहीं है। माननीय श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ावा मान। माननीय श्री भरत सिंह चौधरी जी। माननीय श्री हरि सिंह धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ावा मान। मत संख्या 4 है। मत संख्या 4, सचिव विधानसभा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड मत संख्या 3 में निधन के निर्देश है नहीं सर, कल करेंगे। कल क्यों? ये तो गलत तरीके, गलत परंपरा है। ये निधन का आपने निधन के निर्देश दिए हैं। रामप्रसाद टंटा जी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, 2 टर्म के MLA रहे हैं। आज ये आना चाहिए था, हमें जो सूचना मिली है हमारे सचिवालय को, वो आज मिली है, हम इसे कल करेंगे। आज हमें सूचना मिली। मत संख्या 4, सचिव विधानसभा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022, जो विधानसभा द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च 2022 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2022 का चतुर्थ अधिनियम बन गया। मत संख्या 5, मत संख्या 6, माननीय श्री हरि सिंह धामी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा धारचूला के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत नारायण आश्रम बस्ती बलवागोट से लेक, बलवागोट से पोखरी, गिनी बैंड से गिनी गांव, लुमती से मल्ला लुमती, जारा जीबली से मेतली, बरम से कनार, क्वेटी से सेमली, क्वेटी से रोजपटा, संकोट से डोकला होते हुए बंगा पानी से आलम दाखी माणी होते हुए बंगा पानी से धामी गांव मदरमा, बंगा पानी से फूली रुसपट्टा होकरा जर्थी टिमटिया बोरा गांव बोरा तोली नासनी घट गोरगारी गोगिना नामी बरम सन्याल गांव पैया पौड़ी ढूंगा तोली देवपातल पैया पौड़ी घट्टा बगड़ ओखल डूंगा कनज्योति से सुआ और पोखरी, ये कई जो है सड़कें स्वीकृत हुई थी 15-16 के बीच में। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ी एक चिंता का विषय भी है। याचिका है, आप इसको पढ़िए।
आपको सिर्फ पढ़ना है इसे। जी लेकिन अभी तक वर्तमान 2022 तक पढ़िए इसको, आपने जो यहाँ लिखा हुआ है उसे आप पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। कंच ज्योति से सुहा आदि का अविलंब निर्माण कार्य आरंभ किए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई है। मैं याचिका के नाम से पते एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करता हूँ। श्री जीवनचंद द्विवेदी, पुत्र श्री दयाधर द्विवेदी, पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम सेमली व पोस्ट ऑफिस मीठी जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्तारित याचिका उपस्थित करेंगे। मत संख्या 7 नहीं है, मत संख्या 8 नहीं है, मत संख्या 9 नहीं है। मत संख्या 10। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जून 2022 की बैठक में दिनांक 14 जून 2022 से 16 जून 2022 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। जून 2022, 14 जून 2022 मंगलवार, अध्यादेशों को पटल पर रखा जाना, औपचारिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय व्यय का प्रस्तुतिकरण अपराह्न 4 बजे, 15 जून 2022 बुधवार आय व्यय पर सामान्य चर्चा, विधायी कार्य, 16 जून 2022 बृहस्पतिवार आय व्यय पर सामान्य चर्चा, विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, चर्चा एवं मतदान, विधायी कार्य। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को दी गई है से यह सदन सहमत है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से यह सदन सहमत है, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं कृपया हाँ कहें। सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभी की सहमति। आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शहजाद, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय श्रीमती ममता राकेश, श्री भुवन कापड़ी, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री आदेश सिंह चौहान जी, श्री वीरेंद्र कुमार एवं श्री सुमित हृदेश, श्री विक्रम सिंह नेगी और श्री उमेश कुमार जी की कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शहजाद जी, श्री तिलक राज बेहड़, श्री प्रीतम सिंह जी, श्रीमती ममता राकेश, श्री भुवन कापड़ी, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री वीरेंद्र कुमार एवं श्री सुमित हृदेश एवं श्री विक्रम सिंह नेगी की सूचनाओं को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगी, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। माननीय सदस्य एक करके अपनी सुझाव। माननीय सत्य प्रारंभ करने को लेकर प्रश्न दिया है और आपने कहा था कि हम इसको बाद में सुन लेंगे। हाँ, इसको सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, सुन लेंगे, सुनेंगे उसको भी। सुनेंगे श्री मोहम्मद शहजाद जी। देख लो, आपकी बात सुनना नहीं कोई चाहता, जल्दी है देख लो आप, अब आप समझ लो हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आज हालात, सामाजिक हालात बहुत ही नशे के जो दैनिक स्थिति में पहुंच चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी मेडिकल स्टोर से नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां, नशे के कैप्सूल खरीद सकते हैं। किसी भी चौराहे से, किसी भी नुक्कड़ से स्मैक भी भारी मात्रा में बिक रही है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, युवा, हालात सामाजिक ताना बाना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेडिकल की स्थिति, यहाँ प्रदेश में 2 इंस्पेक्टर हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, खुलेआम नशा बिक रहा है। अगर यही हालात रहे जैसे पंजाब पर पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब, ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड में भी उड़ता
उत्तराखंड की कोई पिक्चर बनाने का काम करें। आज सरकार को और समाज को इस ओर बहुत ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मेडिकल स्टोर जितने भी हैं, वो किसी का भी हो, वो नशे का कारोबार अधिक मात्रा में हो रहा है। उन पर अंकुश सरकार लगाए, स्मैक पर अंकुश लगाए। कहाँ से स्मैक आ रही है? कोई भी स्मैक ले आता है, कोई भी बेचने का काम करता है। अगर गिरफ्तारी होती है तो 2 या 3 ग्राम स्मैक उस पर दिखाई जाती है, ताकि उसकी 8 दिन में 15 दिन में जमानत हो जाए। हालात कानून व्यवस्था से भी जुड़ा प्रश्न है। आज चोरी डकैती बड़ी मात्रा में इस कारण हो रही है, जो नशे में पड़ गया, काम तो उस पर होता नहीं है, वो चोरी की तरफ ही अपने कदम बढ़ाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान भी चाहता हूँ और सरकार का भी चाहता हूँ कि सरकार आज इस पर कोई ठोस जवाब दे कि कार्य योजना सरकार की नशा रोकने की क्या है। जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जो युवा हैं इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कैसे रुक पाएंगे? मेडिकल स्टोर नशा ना बेचे, उसके लिए सरकार की योजना क्या है? कैसे हम अपने समाज को एक सही दिशा में युवा को, नौजवान को ले जा सकते हैं? उस तरफ भी सरकार अपना जवाब देने का काम करो। धन्यवाद जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय मोहम्मद शहजाद जी ने जो नियम 58 के तहत युवा वर्ग के नशे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, उस पर ये वास्तव में गंभीर है। लेकिन जनपद हरिद्वार में युवा वर्ग में नशे की स्थिति के संबंध में अवगत कराया जाना है कि खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की औषधि नियंत्रण शाखा द्वारा समय समय पर छापेमारी कर इस प्रकार की नशीली औषधियों के विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है। विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा नशीली दवा के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध जनपद हरिद्वार में कुल 29 मामले दायर किए हैं और जनपद हरिद्वार में पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 1 वर्ष 5 माह में 402 अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 352 अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिनके कब्जे से लगभग 6,55,00,000 रुपए के 27.8 किलोग्राम चरस, 5.952 किलोग्राम स्मैक, 107.882 ग्राम अफीम, 90.111 किलोग्राम गांजा, 205.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 104,722 नशीली गोलियां, 54,235 नशीले इंजेक्शन एवं 13,078 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। इसी प्रकार पुलिस प्रदेश की पुलिस द्वारा 17 माह में कुल 2,834 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2,339 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनके कब्जे से लगभग 37,40,00,000 रुपए के 379.4 किलोग्राम चरस, 25.471 किलोग्राम स्मैक, 24.93 किलोग्राम अफीम, 237.003 किलोग्राम डोडा, 2,242 किलोग्राम गांजा, 0.2 किलोग्राम योजना बता दीजिए। ये जो कार्रवाई की वो बतानी तो पड़ेगी ना जी। कार्रवाई तो जो कार्रवाई अब आप फिर कहे क्या कार्रवाई की, ये पर्याप्त होती तो मुझे क्वेश्चन लगाना जो कार्रवाई की है, ये पर्याप्त होती तो मुझे क्या क्वेश्चन लगाना पड़ता। देखो आप दोनों पहले सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, जो कार्रवाई हुई सुन लीजिए। 2.799 किलोग्राम हेरोइन, 208 किलोग्राम भांग, 1,30,061 नशीली गोलियां, 16,993 नशीले इंजेक्शन, 21,281 नशीले कैप्सूल एवं 48 सीसी सिरप की बरामद की गई। नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2018 में प्रदेश, जनपद एवं थाना स्तर पर त्रिस्तरीय एंटी ड्रग, अब आप समझ लीजिए ये है विषय जो मैं बता रहा हूँ, इसके आप जो कार्रवाई इसमें आ रही है, नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2018 में प्रदेश, जनपद एवं थाना स्तर पर त्रिस्तरीय एंटी ड्रग टास्क फोर्स ADTF का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय STF उत्तराखंड के अधीन गठित की गई है। नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु
मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त बड़े एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से मुक्त रखने हेतु समय समय पर जनपदीय स्तर पर प्रदेशीय स्तर पर ADATF द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शहजाद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करते हूँ। माननीय श्री तिलक राज बेहर जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इच्छा विधानसभा क्षेत्र में एक हाट बाजार लगता है और हाट बाजार सोमवार और शुक्रवार को लगता है। वहाँ रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण बहुत जाम की स्थिति रहती है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी भी उसको नहीं संभाल पाते। मुझसे वहाँ के व्यापार मंडल के लोग मिले, व्यापारी मिले, उन्होंने एक मुझे पत्र दिया कि आप वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था करा दें। मैंने एक पत्र वहाँ के स्थानीय कोतवाल को भेजा 21/5 को, और मैंने कहा कि वहाँ 2 सिपाही सोमवार, शनिवार, शुक्रवार को लगा दिए जाएँ। पर जब मेरा स्टाफ पत्र लेकर गया तो उस कोतवाल ने अभद्रता की, मेरा पत्र फेंक दिया, विधायिका का अपमान किया। मैंने DIG साहब को भी पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय विधायक का मामला है ये निजी, और इस तरह से अगर अपमान होगा तो उस कोतवाल के खिलाफ आप कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। पूरे सदन की अवमानना है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बहुत वरिष्ठ साथी अपने तिलक राज बेहर जी ने जो अपना नियम 58 के अंतर्गत एक विभागीय टिप्पणी की है, एक जो नियम 58 के अंदर प्रश्न पूछा है उसमें किच्छा कोतवाली क्षेत्रांतर्गत पुरानी गल्ला मंडी में प्रत्येक सोमवार शुक्रवार को हाट बाजार लगती है। बाजार के पास ही रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना किच्छा से जाम की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व से ही पुलिस बल की तैनाती की जाती रही है। इसके अतिरिक्त बाजार के दिन भी महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व से ही नियमित ड्यूटी लगाई जाती रही है। उपरोक्त के क्रम में दिनांक 21/5/2022 को माननीय विधायक किच्छा श्री तिलक राज बेहर जी के कार्यालय से पत्रवाहक ने आकर उक्त स्थानों पर ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में एक पत्र दिया था, जिसके संबंध में पत्रवाहक को अवगत कराया गया कि हाट बाजार में पूर्व से ही ड्यूटियाँ लगाई जा चुकी हैं। इस प्रकरण में माननीय विधायक जी द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली किच्छा द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को शिकायती पत्र प्रेषित किए गए हैं, जिनकी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच कराई जा रही है। अभी तक की जांच से थाना स्तर पर किसी प्रकार की गलती परिलक्षित नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व से ही समस्त जनपद प्रभारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि समस्त जनप्रतिनिधियों एवं उनके प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिया जाए। अरे, गलत सूचना दी गई है, बिल्कुल कोई पुलिस नहीं लगाई जा रही, और मेरा अपमान हुआ है, पत्र फेंका गया विधायिका का, और इस तरह का अपमान आप निर्देश दीजिए उस कोतवाल को हटाने के मामले निर्देश आने चाहिए। अधिकारी फोन तक उठा दे, बात करने को तैयार नहीं है अधिकारी, और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, उत्पीड़न भी हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करते हैं। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी।
होने।